खुद को बड़ा भक्त साबित करने के लिए कर लिया अपनी आत्मविसर्जन और उनके नाम पर बन गया मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज इधर कालाहस्ती आए, श्री कालाहस्ती की सच्ची कहानी हम बता देते हैं। श्री का मतलब है मकड़ी, काला का मतलब स्नेक और हाथी का मतलब हाथी है, एलिफेंट। वो ये तीनों जो भगवान शिव का बड़ा भक्त थे, वो एक दिन तीनों में कंपटीशन हुआ कौन भगवान शिव का बड़ा भक्त है। वो हाथी वाला हम बड़ा है, मकड़ी वाला हम बड़ा है और सांप वाला हम बड़ा है। वो बोले तुम क्या कर सकते हो? वो बोले हम भगवान के लिए अपना जान दे सकते हैं। वो बोले हम भी तो दे सकते हैं। ऐसा कंपटीशन हुआ, तीनों ने एक साथ में मिलके अपना जान दे दी। उनका ये भक्ति देख के भगवान शिव ने उनके पास आए और उनको अपने साथ शिवलोक में लेके चले गए। तब से ये जो मंदिर है श्री कालाहस्ती के नाम पे फेमस है। और दूसरा भक्त कन्नप्पा, भक्त कन्नप्पा ने भगवान शिव को अपना आंखें दान की थी। इधर का रूट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप लोग तिरुमला आते हैं उधर से आपको 40 किलोमीटर होगा इधर आने के लिए। आप ट्रेन में भी आ सकते हैं, 60 रुपीज़ लगेगा। स्पेशल बस में अगर आएंगे आपको 60 रुपीज़ लगेगा, मामूली बस में आपको 40 रुपीज़ लगेगा। और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो बस 25 किलोमीटर है। हर 5-10 मिनट में एक बस आपको मिल जाएगा तिरुमला से इधर आने के लिए। इधर का लॉज का फैसिलिटी भी अच्छा है, आप 600 से लेके 1000 के अंदर अच्छा रूम आपको मिलेगा। इधर फ्री जो अन्न प्रसाद है वो दिन में 11 से लेके 2 बजे तक मिलता है डेली। अगर आप चाहे तो आप इधर होटल में भी खा सकते हैं साउथ इंडियन फूड। इधर वायु ने ये देख सकते हैं जो रिवर, ये स्वर्ण नदी है। ये स्वर्ण नदी के तट पर ये श्री कालाहस्ती टेम्पल है। ये टेम्पल जो है ये कैलाश पहाड़ पर है। अर्जुन ने फर्स्ट इधर तपस्या करके पाशुपत अस्त्र का प्राप्त किया था। ये स्वर्ण नदी तट पर ये मंदिर है श्री कालाहस्ती। ये स्वर्ण नदी तट पर फर्स्ट भगवान वायु ने पूजा किए थे, शिव को पूजा किए थे। कर्पूर लिंग के रूप में भगवान शिव प्रसन्न होके उनको 3 वर दिए थे। पहला था आप फूल सृष्टि में वायु के रूप में विद्यमान रहेंगे हर जीव के अंदर। दूसरा ये था आप हर जीव के अंदर रहेंगे तो वो जिंदा रहेंगे। तीसरा ये था वो कर्पूर लिंग आज से वायु लिंग के रूप में पूजा जाएगा। इधर जो शिव है वो वायु लिंग के रूप में पूजा जाते हैं, उनको ब्राह्मण भी टच नहीं करते, दूर से पूजा करते हैं। देख सकते हैं इधर मंदिर का एक खास बात बता देती हूँ। मंदिर के अंदर में एक पॉइंट है जहाँ पर भक्त कन्नप्पा का मंदिर का शिखर, मतलब लास्ट शिव का मंदिर का शिखर और पार्वती मंदिर का शिखर एक ही जगह पर दिखाई देता है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। देख सकती हैं जो पॉसिबल है बहुत दूर दूर है, आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर है वो मंदिर सारे, लेकिन एक जगह पर सारे मंदिर का शिखर दिखाई देता है। बहुत सारे लोग इधर आते हैं, उसको दक्षिण का काशी कहते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग ये साउथ में है, इसमें से एक है ये वायु लिंग श्री कालाहस्ती में। इधर लोगों का मानना है, मानने के बाद लोगों को उनका राइट साइड कान को मिट्टी में लगा कर रखते हैं, उनका प्राण जो है वो स्वर्ग में चला जाता है, ऐसे लोगों का मानना है। बच्चे कौन सा स्पॉट में करते हैं मुझे मालूम नहीं ठीक से। इधर हम फर्स्ट आए हैं, देख सकते हैं वो सारे मंदिर है, बहुत दूर दूर में मंदिर है दिख रहा है, लेकिन सभी एक ही जगह पर दिखाई देता है।
ये जो फर्स्ट मंदिर था वो पल्लव ने बनाया था, उसके बाद अभी का जो मंदिर दिख रहे वो 16वीं शताब्दी में कृष्णदेवाय ने बनाए थे। वो उधर जाऊंगी कन्नाफा मंदिर में, तो स्पेशल सच्ची कहानी है उधर, उधर एक वीडियो बनाकर मैं दिखा दूंगी। तब तक रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।